हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सीआईटीएस के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए। कब से शुरू हो गए? 15/6 से, मतलब कि 15 जून से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि फॉर्म अप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था। वाकई में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, जैसे कि आपके शुरू उसमें था भी, क्वालिफिकेशन में था भी कि जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा था, किसी से 1 साल का, किसी से 2 साल का। ठीक है, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि 1 साल का किसको चाहिए था, 2 साल का एक्सपीरियंस किसको चाहिए था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत परेशान थे क्योंकि वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने, निम्मी को, डीजीटी ने, इनफैक्ट मैंने भी मैसेज किया, ठीक है, मेल किया, उसका परिणाम ये निकला कि जो अब एक्सपीरियंस हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग जो भी लोग सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीआईटीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग फॉर्म को बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो छट जा रहे थे इसकी वजह से, आईटीआई कर लिया था, ठीक है, लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था जिसकी वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे और काफ़ी वो निराश भी थे। ठीक है, लगातार मैसेज किया, मेल किया, उसका यही परिणाम निकला कि अब हटा दिया गया, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, और इसी तरीके से सीआईटीएस की और वीडियो के लिए और जानकारी के लिए कंटिन्यू चैनल के साथ में बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए हर एक जानकारी टाइम टू टाइम लेती आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।